हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बुक ज्योग्राफी लेसन नंबर 5 इंडस्ट्री का पार्ट नंबर 4 वीडियो बना रहे हैं। तो आप आज पार्ट नंबर 4 वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। यहाँ से स्टार्ट होगा टॉपिक, यानी कि प्रमुख उद्योगों का वितरण, ठीक है। तो अलग अलग उद्योग हैं, हम लोग अलग अलग मतलब हमने अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने अलग अलग उद्योगों के बारे में बात की है। उद्योग यानी कि जहाँ पर कोई भी काम होता है, ठीक है, व्यापार होता है, ठीक है, कई सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, कोई सामान बनाया जाता है उसको उद्योग कहते हैं, या फिर वहाँ पर कोई सेवा दी जाती है उसको भी उद्योग कहा जाता है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने अलग अलग प्रकार के उद्योगों के बारे में जाना था, अब हम पढ़ रहे हैं कि उद्योग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, प्रमुख उद्योगों का वितरण, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो आइए देखते हैं, द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, यानी कि दुनिया की जो प्रमुख उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ये इम्पॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। आपको कोई भी सामान बनाना है, कोई भी औजार चाहिए, पेन चाहिए, पिन चाहिए, जहाज चाहिए, तोप गोले बंदूकें कुछ भी, वॉट एवर, मकान बनाने हैं, सब में आयरन लगता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो एक बेसिक हो गई, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है इंसान को तन ढकने के लिए कपड़ा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। थर्ड नंबर पे जो एक और बता रहा है, जो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी उद्योग, प्रौद्योगिकी, 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 प्रौद्योगिकी उद्योग, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी भी बोलते हैं, आईटी, ठीक है। अच्छा, बहुत अब ये आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि अभी बहुत सारे काम कंप्यूटर्स की मदद से होने लगे हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग्स, आप ऐप्स यूज़ करते हैं, देखिए अभी अगर ये ऐप ना होता, ई पाठशाला ऐप, तो इस लॉकडाउन के दौरान में ऑनलाइन, क्योंकि बुक अवेलेबल नहीं थी मेरे पास तो मैं कभी भी पढ़ा ही नहीं पाता, बहुत प्रॉब्लम्स आती, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, ठीक है। अच्छा, तो मतलब अभी हम जो भी पॉसिबिलिटी कर पा रहे हैं, ई क्लासेस जो ले पा रहे हैं, ये आईटी की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, ठीक है, एक उभरती हुई इंडस्ट्री है। डू यू नो, देखिए डू यू नो क्या कहता है, क्या आप जानते हैं, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। जो उभरते हुए उद्योग हैं उनको उभरता तारा या उभरता सूरज, उगता सूरज इंडस्ट्री भी कहते हैं। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। देखिए अब इनके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या आया इसके अंदर कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में को एक तो सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। इनमें कौन कौन सी होती है, इनमें एक प्रौद्योगिकी उद्योग होता है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य, और हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सत्कार, खातिरदारी, ये भी एक नया प्रकार का उद्योग है। इसके अंदर आते हैं होटल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस, और इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका फूड,
ठीक है। और भी इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका जितने भी आप ट्रांसपोर्टेशन में आ गए, या ट्रेन्स हो गया, फ्लाइट्स हो गई, ये सब हॉस्पिटैलिटी का पार्ट हो गए, ठीक है। होटल इंडस्ट्रीज हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, सत्कार उद्योग यानी कि आप जितने भी टूरिज्म, तो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, तो टूरिस्ट के आने से इनकम बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट की जो बसेस चलती हैं, वो बसेस अगर हम बात करें हरियाणा बेल्ट पर जब बसेस चलती हैं, वहाँ पर जब भी आपने जीटी रोड पर अगर ट्रैवल किया हो चंडीगढ़ की तरफ जाते समय, तो जो गवर्नमेंट के होटल्स हैं वो बसेस वहाँ जाके ठहरती हैं, ठीक है। जैसे स्काई लार्क करके, ठीक है। अच्छा, टूरिज्म, वो टूरिज्म होटल्स होते हैं, आप वहाँ पर जा कर के वो बसेस वहाँ पर ठहरती हैं, या आप कोई भी जा सकता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी ढंग से फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, टॉयलेट्स अवेलेबल होते हैं, आराम से आप बैठ सकते हैं जा कर के, ठीक है। अच्छा, चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, आप कुछ भी खाने पीने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं जो कि आपको साफ़ सफाई से मिलता है, इसी को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ना होता तो आप सोच के देखिए कि वो पर्सन जो ट्रैवल कर रहा है, एक तो वो रास्ते में परेशान हो जाता, इतना लंबा सफ़र करना है, तो इससे क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ये बने हुए हैं, इससे पर्सन क्या होगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा, जब रुकेगा तो कुछ खाएगा पिएगा भी, कुछ ना कुछ इनकम बढ़ेगी स्टेट की, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर स्टे करेगा, थोड़ी देर रुकेगा तो उसका चार्जेस भी देगा, उसका टैक्स पे करेगा, आप समझ रहे हैं ना, तो उससे इनकम बढ़ती है, स्टेट की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हॉस्पिटैलिटी हो गया, राइट। उसके बाद नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। अच्छा, तो ये सब भी उभरते हुए उद्योग हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए देखिए आगे चलते हैं। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रशिया। जिन देशों में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं उनके नाम हैं जर्मनी, USA, चाइना, जापान और रशिया, ठीक है। हालांकि इंडिया में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुख्यतः फैली हुई है भारत में, इंडिया में, ठीक है। और ये आज के ज़माने की नहीं है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में आज से नहीं है, बहुत समय पहले से ही इंडिया में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बहुत पुराना काम है इंडिया के अंदर, और जो मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं वो आपका महाराष्ट्र में और गुजरात में लगी हुई हैं, ठीक है, राजस्थान में लगी हुई हैं जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगी हैं, ठीक है। आपको सिल्क का मिल जाएगा, आपने सुना भी होगा बनारसी साड़ी, ठीक है, आपने कभी फेमस सुना होगा नाम कि भाई बनारसी साड़ी, ठीक है। तो बनारसी साड़ी नाम कैसे आया, क्योंकि बनारस में पहले सिल्क का बहुत बड़ा उद्योग होता था, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। तो इट मीन्स वहाँ की साड़ियाँ, वहाँ का सिल्क बहुत फेमस था, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी लगी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जो कपड़ा उद्योग की कंपनियां जो लगी वो मुंबई में सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड हुई, फिर धीरे धीरे करके मुंबई, गुजरात, हरियाणा और आसपास के स्टेट्स में फैलती चली गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी आपका जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है वो आपका पानीपत के अंदर भी वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में आपका नेफ्था क्रैकर प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ से प्लास्टिक बन के निकलती है, तो उससे फाइबर बनाना, धागा बनाना आसान हो जाता है, तो उससे सिंथेटिक फाइबर बन जाता है, तो सिंथेटिक फाइबर क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है तो उसकी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंबल और इस तरीके के कारपेट्स वगैरह का उद्योग होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखिए, हाँ, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, इन देशों में भी फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सब हमारे देश के नज़दीक के ही देश हैं, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब एशिया में आते हैं, एशियन कंट्रीज हैं। अच्छा, द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली। इंपॉर्टेंट टर्म आ गई देखिए, कि जो इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर हब्स हैं
वो कहाँ है वर्ल्ड वाइड, सिलिकॉन वैली, जो कि कहाँ है, सेंट्रल कैलिफोर्निया में है, यानी कि यूएसए में है, ठीक है, सिलिकॉन वैली कहते हैं उसको। और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट आईटी कंपनियाँ स्टेब्लिश्ड हो रखी हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इंडिया में अगर बात करें तो बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि बेंगलुरु में, ठीक है, में आईटी इंडस्ट्री स्टेब्लिश्ड है, इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इंडिया का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए अब आगे देखिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, ये टॉपिक ले रहे हैं। देखिए अब, लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, उसी तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी, ठीक है, में अलग अलग चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब होता है समाविष्ट करना, समाविष्ट करना यानी मिलाना। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में मिले हुए हैं, क्या मिले हुए हैं, उनमें भी इनपुट होता है और उनमें भी प्रोसेसेस होता है और उनमें भी आउटपुट होता है, जैसे अदर इंडस्ट्रीज में होता है। आपको एग्जांपल मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का देके दिया था पिछली बार, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इंडस्ट्री में। तो इनपुट इज अ फर्स्ट स्टेप, प्रोसेसेस इज सेकंड स्टेप, आउटपुट इज थर्ड स्टेप, राइट। तो इसी तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी वही स्टेप होने वाले हैं। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हूज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटीरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ये एक सहायक उद्योग है जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज को सामान देता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार बनानी है, ठीक है, ट्रक बनाने हैं, रेल के इंजन बनाने हैं, ठीक है, रेलवेज पूरा का पूरा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पर टिका हुआ है। तो सोच के देखिए कि अगर स्टील इंडस्ट्री अपने पास से स्टील नहीं देगी, ठीक है, तो कार तो बनी नहीं पाएगी ना, पॉसिबल ही नहीं है कार बन पाना, ठीक है। और यानी कि उसकी जो मेन बॉडी बनती है, ठीक है, वो तो आयरन की ही बनेगी ना, आयरन या स्टील की बनेगी ना, मेटल की बनेगी ना, ताकि उसके अंदर, मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर हार्डनेस होती है, टफनेस होती है, ठीक है। अच्छा, तो तभी तो वो टिक पाएगी, गाड़ी टिक पाएगी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पर बेस्ड हैं, इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कह रहे हैं, फीडर इंडस्ट्री यानी सहायक उद्योग। ग्लोसरी, ग्लोसरी क्या है, देखिए, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग का मतलब होता है प्रगलन, हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका, प्रगलन। हालांकि ये एक पूरी टर्म है, देखिए इस टर्म को पढ़ते हैं क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी कि जब कोई सॉलिड चीज को इतनी हीट दी जाती है कि वो सॉलिड चीज अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, तो उस टेम्परेचर के पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस, बर्फ का, सपोज कीजिए बर्फ का एक टुकड़ा है आपके पास, एक क्यूब है, ठीक है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब को आप जो है बाहर निकालते हैं, फ्रीजर में से बाहर निकाल देते हैं, तो वो कितनी डिग्री पर पिघल जाएगा, तो उसको जैसे ही 0 डिग्री से अबव, जैसे 0.1 0.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, वो पानी में कन्वर्ट होना, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इट मींस वो सॉलिड से गैसेस, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 0.1 इज मेल्टिंग पॉइंट फॉर आइस, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास मेटल होता है, उस मेटल को मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है, यानी कि उसको मेल्ट कर दिया जाता है, और मेल्ट करने पर उसमें से
जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया जाता है, वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, सेपरेट आउट कर दिया जाता है, और उसमें से जो बढ़िया मेटल है, जो हमारे काम की मेटल है, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है, यानी कि अपने पास रख लिया जाता है। तो उसको भी बाहर निकालना यानी ओर में से, ये देखिए ओर में से, ओर इज द रॉ फॉर्म ऑफ मिनरल या मेटल, ठीक है। इसमें से प्योर मेटल को अलग करना इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस हुआ जिसमें से आप ओर में से मेटल को अलग कर लेते हैं, प्योर मेटल अलग निकाल लेते हैं, तो वो प्रोसेस। मगर स्मेल्टिंग हुआ कैसे, हीट देके। कितने टेम्परेचर पे हीट देके, उस रॉ मटेरियल को उस ओर के मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर जा करके हीट देनी है, यानी वो मेल्ट हो जाए, ठीक है, पिघल जाए बिल्कुल। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री include raw materials such as iron ore, coal and limestone along with labor, capital site and other infrastructures. Input kya hai is industry ke liye, iron and steel industry ke liye input kya hai, theek hai। इनपुट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस वीडियो में। इनपुट क्या होता है कि जब आप कोई इंडस्ट्री लेते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो उसके शुरुआती सामान क्या होंगे, तो क्या चाहिए इसके लिए आपको, इसके लिए आपको आयरन का ओर चाहिए, कोयला चाहिए क्योंकि जलाना पड़ेगा, क्योंकि मेल्ट करना है तो जलाना पड़ेगा, लाइमस्टोन, ठीक है, इसको भी प्रोसेस में लेते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा लेबर चाहिए, लेबर यानी कर्मचारी, काम करने के लिए लोग चाहिए। कैपिटल यानी पूंजी, आपको मनी चाहिए। साइट माने जमीन, आपको एरिया चाहिए, और इसके अलावा उस पर बिल्डिंग चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सामान चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। प्रोसेस क्या है, ठीक है, इनपुट के बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस है कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील, आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करना है, इसमें अलग अलग स्टेजेस लगती हैं, ठीक है। द रॉ मटीरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेंस। ब्लास्ट फर्नेंस एक प्रकार की भट्टी होती है, भट्टी, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग प्रकार की फर्नेंस होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो फर्नेंस यूज होती है उसका नाम है ब्लास्ट फर्नेंस, ठीक है। अच्छा, तो ये जब फर्नेंस के बारे में आप 11th में केमिस्ट्री लेंगे अगर, तो वहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे, फर्नेंसेज क्या होती हैं, भट्टियाँ क्या होती हैं, ठीक है। और 12th में भी है इसकी, 12th की केमिस्ट्री में भी इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लास्ट फर्नेंस जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होती है, ये एक प्रकार की भट्टी होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर यह हालांकि डायग्राम दिखाया हुआ है, 5.6 फिगर 5.6 अगले पेज में आ रहा है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे ब्लास्ट फर्नेंस का, इट इज़ देन रिफाइंड, इसके बाद इसको रिफाइंड किया जाएगा, ठीक है। फर्नेंस में तो इसको पिघलाया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाएगा, क्योंकि मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद अब ये होगा कि वो पिघल गई है, तो उस पिघलने में से प्योर मेटल्स को अलग कर लेंगे, ठीक है, और रॉ जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर लेंगे। द आउटपुट्स, अब अगर मान लीजिए कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में बनी हुई थी तो उसमें से अलग कर पाना मुश्किल था, ठीक है ना, मेल्ट करके उसको आसानी से अलग कर सकते हैं, ठीक है। द आउटपुट कंटेन ऑब्टेंड इज स्टील विच मे बी यूज बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। हालांकि स्टील इंडस्ट्री का या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, वो प्रोडक्ट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है स्टील, ठीक है, ये इसका आउटपुट हुआ, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल करती हैं। देखिए अब आगे, 8 टन ऑफ कोल्स, यानी कि इसके लिए जब हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसके लिए हमें 8 टन के आसपास कोयला चाहिए, 4 टन आयरन ओर चाहिए, 1 टन लाइमस्टोन चाहिए, तब जाकर के 1 टन स्टील बनती है, समझ गए आप। ये है प्रोसेस, यानी कि कोयला चाहिए होगा तब, और 4 टन आयरन ओर चाहिए होगा, 1 टन लाइमस्टोन भी चाहिए होगा, और 1 टन स्टील बनेगी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए प्लस 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 प्लस, तीनों चीज़ें प्लस करेंगे तो जाके आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं, उसके बाद है स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड कट और मेड इनटू वायर। स्टील जो होती है वो टफ भी होती है, ठीक है, यानी कि दृढ़ होती है, मजबूत होती है,
और इसको शेप में भी आसानी से बदला जा सकता है, इसको कट किया जा सकता है, इसको इससे वायर बनाए जा सकते हैं स्टील से। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। अब स्टील से अलॉय बनाए जाते हैं, अलॉयज, ठीक है। हालांकि स्टील अपने आप में खुद एक अलॉय होता है, ठीक है, तो इसमें अदर और मेटल्स मिला लेते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और हल्का हो जाता है, ठीक है। चाहिए यही ना कि ज़्यादा मजबूत बन जाए, ठीक है, इसकी लाइफ बढ़ जाए और हल्का हो, वजन में हल्का हो, क्योंकि आजकल क्या है, जैसे बाइक में आते हैं लगे वो व्हील्स, तो देखा गया है कि पहले टाइम में जो व्हील्स आते थे जिनको हम बोलते हैं स्पोक व्हील्स, ठीक है, स्पोक व्हील्स होते हैं ना, स्पोक लगे होते हैं, ठीक है, ये व्हील होता है, व्हील के सेंटर में ड्रम होता है और यहाँ पर आम भाषा में इसको ताड़ी भी बोल देते हैं, ताड़ियाँ वाले, ठीक है, ये इस तरीके के व्हील्स होते थे, तो ये भारी होते थे। और दूसरा ड्रॉबैक इनका क्या था कि ये इनमें जंग लग जाता था, जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी शेप बिगड़ने के चांसेस होते थे, अगर मान लीजिए इनमें चोट लग गई तो इनका डायमेंशन बिगड़ जाता था, इसकी वजह से गाड़ी का फ्रेम बिगड़ सकता है, ठीक है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बिगड़ जाती है। अब अलॉय व्हील्स में क्या होता है, या तो वो टूट के बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो वो यूज़ में ही नहीं आएगा दोबारा, उसके बाद वो रिपेयर नहीं हो सकता, आपको नया लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, वजन में हल्का है, ठीक है ना, ड्रम वाले व्हील के मुकाबले में, वो सॉरी, जो हमारे स्पोक वाले जो व्हील्स हैं उनके मुकाबले में हल्का है, जिसकी वजह से गाड़ी को कम वजन उठाना पड़ेगा और गाड़ी पर कम लोड पड़ेगा, इंजन पे कम लोड पड़ेगा, इंजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आपके वेट को उठा के करेगा, ना कि गाड़ी के वेट को उठा के करेगा, राइट, ठीक है ना, तो गाड़ी का वजन कम हो गया। अच्छा जी, थर्ड क्या है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो एज़ कम्पेयर टू स्पोक व्हील्स के मुकाबले में ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाँ, कि अगर एक्सीडेंट के केस में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें क्या होता है कि ये रिपेयर नहीं होता, ये कम्प्लीटली नया डलता है अलॉय व्हील्स, ठीक है ना। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि आपकी जो राइडिंग रहेगी वो हमेशा स्मूथ रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता था कि उसमें थोड़ा सा हल्का सा उसको ठुक पीट करके उसको शेप में लाने की कोशिश करते हैं, बट वो एग्जैक्टली शेप में कभी आ ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर हल्की सी बबलिंग रहती है, बबलिंग, हल्की हल्की गाड़ी हिलती है, बबलिंग रहेगी बाइक में या कार में, उसकी वजह से क्या रहेगा, जो अदर पार्ट्स है, जब गाड़ी ऐसे हिलती रहेगी चलते वक्त स्पीड में, तो गाड़ी के जो अदर पार्ट्स हैं वो हिलेंगे, तो इससे आपका और बड़ा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये एडवांटेज रहा अलॉय व्हील्स बनाने का, ठीक है, फ़ायदा रहा। अच्छा, तो आगे देखिए, अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअली, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वालिटी रहती है स्टील की कि रेजिस्ट रस्ट, एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट, इसमें जंग लगने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी मॉडर्न इंडस्ट्री की। ये इंटरनल क्वेश्चंस में आएंगे क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करके नोट डाउन जरूर करेंगे। तो बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कौन है, स्टील, राइट। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। यानी कि जितनी भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, टूल्स, मशीनरीज, ये सभी आयरन और स्टील की बनी होती है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल्स हैं, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, कार, बाइक्स, ये सब भी स्टील की बनी हुई होती हैं। इवन द सेफ्टी पिंस एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। जो आप अपने घरों में सेफ्टी पिन भी यूज़ करते हैं ना, छोटी सी जो पिन होती है, ठीक है, जो आप कपड़ों में लगाते हैं सेफ्टी पिन, या पेपर में लगाते हैं पिंस, ठीक है, वो भी इवन स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। देखिए आगे, देखिए स्टील, अच्छा उसके बाद बोलते हैं कि ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरीज। आप तेल निकालते हैं, उस तेल में निकालने के अंदर जो मशीन यूज होती हैं उनमें भी स्टील यूज होता है, तो तेल की इंडस्ट्री का भी काम नहीं चलेगा यदि स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी तो,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, स्टील, पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्ट ऑयल, मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स। इसके अलावा स्टील पाइपलाइंस, ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील पाइपलाइंस के माध्यम से ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी से अदर जगहों पर, कुछ जैसे पेट्रोल पंप्स हो गए, नज़दीकी पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ पर पाइपलाइन बिछा करके डायरेक्ट ऑयल की सप्लाई दी जाती है, ठीक है। अभी जैसे इराक से चल रहा है, ठीक है, ये सपोज़ कीजिए यहाँ पर रिफाइनरी है और यहाँ पर सप्लाई चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन को बचा लिया जाता है और डायरेक्ट पाइपलाइन लगा के यहाँ से ऑयल दे दिया जाता है, ठीक है। ये पाइपलाइन ज़मीनों के नीचे से जाती है ताकि ज़मीन के नीचे इसमें ऑयल के चोरी होने की पॉसिबिलिटी ना रहे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है घरों के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है उसमें भी स्टील के पाइप्स यूज़ होते हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स, और बोल रहा है कि जो आप मिनरल्स को निकालते हैं ज़मीन से, खोद करके निकालते हैं, जैसे कोयला निकालते हैं, ठीक है, आयरन का ओर निकालते हैं, एल्यूमिनियम का ओर, बॉक्साइट को निकालते हैं, इनको निकालने के लिए भी स्टील के इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ भी स्टील चाहिए। फॉर्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, जितने भी खेती के अंदर आप मशीन्स यूज़ करते हैं वो भी सब स्टील की बनी है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, जितनी भी आपका जो बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स में भी आप स्टील का फ्रेमवर्क ही यूज़ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा स्टील से बीम बनाए जाते हैं, उसके बाद जाकर के बड़ी बड़ी जो घर होते हैं उनको खड़ा किया जाता है, राइट। तो सब जगहों पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सब जगहों पर स्टील का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए अब मैं आपको एक दो वर्ड देता हूँ बेटा, आपने अभी उन दो वर्ड्स को नोट डाउन करना है और उनका मीनिंग बताना है मुझे। पहला वर्ड है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का आपने मुझे मतलब बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। और दूसरा जो वर्ड है वो है स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग का मेरे को आपको हिंदी में मीनिंग बताना है आपने। अच्छा, और अगर आप स्मेल्टिंग टर्म को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, कंप्लीट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो है आपने फुल फॉर्म लिखनी है आईटी, आईटी की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। आपको तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं तो इनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के मुझे बताएंगे, राइट। अपना एडमिशन नंबर मेंशन कर दीजिएगा। एनीवेज, खैर आगे चलते हैं। देखिए फिगर 5.6, फ्रॉम आयरन ओर टू स्टील इन ए ब्लास्ट फर्नेस, ये एक ब्लास्ट फर्नेस दिखाई हुई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फर्नेसेस अलग अलग प्रकार की होती हैं, फर्नेस माने भट्टी, ठीक है, और इस भट्टी में, ठीक है, जो है ये देखिए मशीन्स आ रही हैं, ये भट्टी कोई छोटी मोटी भट्टी नहीं होती, ठीक है। आप सोचो जैसे घर में हमारे थोड़ी लगी होती है, उस टाइप की नहीं है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर भट्टी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वॉज लोकेटेड वेयर रॉ मटीरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजिली अवेलेबल, ठीक है। 1800 AD से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगती थी जहाँ पर रॉ मटीरियल मिल जाता था, पावर सप्लाई मिल जाती थी और जहाँ पर बहता हुआ पानी आसानी से उपलब्ध होता था, राइट। अच्छा, लेटर द आइडियल लोकेशन, उसके बाद क्या हुआ कि जो इसकी आइडियल लोकेशन थी वो बदल गई। कहाँ बदल गई, देखिए, फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स, उसके बाद इंडस्ट्री लगने लगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो लगने लगी वो लगने लगी नियर कोल फील्ड्स, यानी कि जहाँ पर कोयले की खदान थी उसके नज़दीक लगने लगी, एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज, ठीक है। इसके अलावा मतलब जहाँ पर कोयले की खदान नज़दीक थी, पानी नज़दीक आसानी से कैनाल थी, नहरें बनी हुई थी, ज़रूरी नहीं कि नदी चाहिए थी, क्योंकि पहले तक तो नदियाँ होती थी, नदियों से ही पानी मिलता था, उसके बाद कैनाल्स बना दी गई। तो कैनाल्स क्या है भैया, माइन अलग होगी, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ जहाँ माइन है, कोयले की माइन हो वहाँ पर नदी बहती हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। तो मगर वहाँ पर क्योंकि आयरन इंडस्ट्री लगानी है तो पानी चाहिए होगा, कोयला तो मिल गया बट पानी भी तो चाहिए, तो पानी के लिए, ठीक है, वहाँ पर नदी के आसपास से नदी जो है उस नदी से खींच के लाई जाएगी कैनाल, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, ज़रूरी पड़ेगा उससे वो चलाएगा काम रेलवेज, ठीक है। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें नज़दीक में होनी चाहिए थी, ठीक है। आफ्टर 1950 आयरन एंड इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री बिगिन
टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। 1950 के बाद जब देश आज़ाद हो गया तो जो स्टील इंडस्ट्रीज थी वो लगने लगी कहाँ पे भला, वो लगने लगी फ्लैट एरियाज में, जो समतल इलाके थे, खुली ज़मीन में और सी पोर्ट्स के नज़दीक, जहाँ पे समुद्र का तट नज़दीक था, ताकि समुद्र के तट से आसानी से जो भारी, क्योंकि लोहा भारी होता है, ठीक है, उससे आसानी से बाहर पहुंचाया जा सके, यदि उसका रॉ मटेरियल चाहिए तो आसानी से लाया जा सके, ठीक है, शिप के माध्यम से, ठीक है, और आसानी से अगर एक्सपोर्ट करना है तो भी आसानी से हो जाए, इम्पोर्ट करना है तो भी आसानी से हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज़ बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, ठीक है, क्योंकि इस दौर में सन 1950 के बाद से, ठीक है, स्टील वर्क जो था वो बहुत बड़े स्केल पर इस्तेमाल होने लगा, बहुत बड़े स्केल पर अब ये यूज़ होने लगा, ठीक है, और इसका इम्पोर्ट भी होने लगा, जो रॉ मटेरियल था उसका इम्पोर्ट होने लगा अदर कंट्रीज से, ओवरसीज़ यानी कि दूसरे देशों से इम्पोर्ट यानी मंगाना, राइट। चलिए देखिए आगे देखते हैं, उसके बाद अब लास्ट में ये इंडस्ट्री का आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1800 से सन 1950 के, पहले तो सन 1800 की बात कर लेते हैं, वहाँ पर देखिए नदी के किनारे लगा हुआ है, ये देखिए, उसके बाद सन 1800 से 1950 के बीच में जहाँ पे कोल माइनिंग है वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ देखिए घर बने हुए बहुत सारे हैं, कोल माइंस हैं। अच्छा, उसके बाद जब सन 1950 के बाद से देखिए आप समुद्र के किनारे लगा हुआ है, राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज के टॉपिक को हम लोग स्टूडेंट्स यही एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, अभी यहाँ पे नहीं एंड करते, अभी आगे और बढ़ाते हैं, क्योंकि टॉपिक पूरा कंप्लीट एंड करेंगे तो टॉपिक को एंड करते हैं, चलिए सॉरी, तो आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटीरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज, देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री है उसको क्या खासियत मिलती है, कि हमारे यहाँ पर चीप लेबर है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, हमारे यहाँ उसकी मार्केट भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ उसका रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया के अंदर स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से उभर रही है, ठीक है। पहले भी बहुत थी हमारे देश में, पहले से ही है टिस्को, ठीक है। अच्छा, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे देश में पहले से अवेलेबल है, बाकी और भी बहुत सारी स्टील इंडस्ट्रीज उभर रही हैं, ठीक है, तो इसी कारण से उभर रही हैं, क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, चीप लेबर है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और मार्केट अवेलेबल है, क्योंकि बिकना भी तो चाहिए ना। अच्छा, ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज, अब यहाँ पे इंडिया के इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के नाम बता रहा है, देखिए अब क्या नाम है, भिलाई, दुर्गापुर लिखा हुआ है, बर्नपुर, ठीक है, जमशेदपुर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जमशेदपुर का नया नाम टाटा नगर, ठीक है, जमशेदपुर जो है जमशेद जी टाटा, ठीक है, अच्छा इनके नाम से रखा गया, तो जमशेदपुर अब इसका नया नाम क्या है, टाटा नगर। राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन आर रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर फोर स्टेट्स, ये इन चार राज्यों में फैली हुई जगहें हैं, कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल में है, मिलेंगे आपको झारखंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कोयला की खदानें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, समुद्र भी नज़दीक है, पानी की नदियाँ भी नज़दीक हैं, वेस्ट बंगाल में समुद्र नज़दीक है, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ नदियाँ बहुत नज़दीक हैं, नदियाँ बहती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, पानी आसानी से उपलब्ध है, कोयले की खदानें उपलब्ध हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी, और लेबर तो है ही, और मार्केट तो इंडिया में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है, तो इंडिया में सारे में मार्केट है, और ट्रांसपोर्ट इंडिया में कहीं से भी पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि रेलवेज नेटवर्क इंडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड के टॉप 5 रेलवे नेटवर्क्स में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अलग नाम ले रहा है, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, ये भी कुछ अलग अलग जगहों के नाम बताए हैं इन्होंने, ठीक है, इन जगहों के नाम को भी टर्म्स को नोट डाउन कर लेंगे,
ठीक है। तो ये कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे भी जो लीक से हटके स्टील इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पर भी एडवांटेज ये है कि विशाखापट्टनम ये अपने आप में समुद्र के तट के इलाके हैं, ठीक है। तमिलनाडु समुद्र के तट के इलाके हैं, कर्नाटका समुद्र तट के इलाके हैं, तो यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली हो जाता है, इसलिए यहाँ लग गई हैं फैक्ट्रीज, ठीक है। अच्छा, एनी वे स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम लोग यही एंड करते हैं, ठीक है। आप जो है कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।